एटीएम की खोज किसने की? एटीएम को जॉन सेफर्ड बैरन ने बनाया था। 1965 में एक दिन बैरन पैसे निकालने बैंक में एक मिनट देरी से पहुंचे और बैंक बंद हो गया। उसके बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी मशीन बनाई जाए जिससे 24 घंटे पैसे निकाले जा सके। उसके बाद उन्होंने 27 जून 1967 को लंदन के बार्कलेज बैंक में पहली एटीएम मशीन लगवाई थी, जो आज सभी के जीवन का एक अहम हिस्सा बन गई है। और दिलचस्प बात यह है कि जॉन सेफर्ड एटीएम पिन नंबर 6 डिजिट का रखना चाहते थे, मगर उनकी पत्नी को 6 अंकों का पिन याद रखने में दिक्कत होती थी, जिसके बाद बैरन ने पिन 4 अंकों का कर दिया। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।